हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हियर में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरलाइन जॉब के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि एयरलाइन है इन इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारे जो एयरलाइन है तो उसके बारे में मैं बात करूँगा कि कौन सा एयरलाइन बेस्ट है, कौन सा एयरलाइन में आपको जो कि काम करना चाहिए इस बारे में। तो फर्स्ट जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, इंडिगो एक है नंबर वन ग्रोइंग जो कि एंड स्प्रेडिंग एयरलाइन इन इंडिया। तो इंडिगो बहुत ही अच्छा है कंपनी है एयरलाइन में। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे काम करना, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, बहुत सारे जो कि पोस्ट है डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है, तो बहुत सारे जो कि जॉब अवेलेबल है। तो जो लोग एयरलाइन में काम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पर आप 12th से, अगर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 या 12th है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो 10+2 में क्वालिफिकेशन बहुत सारे जो कि जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे जो 12+2 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जॉब। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पेज में आना होगा। तो इस पेज में आने के लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली इस पेज में क्लिक करके आ सकते हैं। दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब, जो कि इस राइट साइड में लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो कि यहाँ पे डिवाइडेड हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं 1x1 जो कि अप एंड डाउन हो रहा है। तो फर्स्ट जो कि है IFS जो कि केबिन क्रू, AOCS ग्राउंड फोर्सेज, फ्लाइट ऑपरेंस जो पायलट है, इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट फंक्शन है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है, आप केबिन क्रू में अप्लाई कर सकते, ग्राउंड फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ पायलट के भी यहाँ पे है, इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों, मैं आप लोग बताओ कि बोल चुका हूँ कि 12th से जाके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि 12th है उसमें से आपको बहुत सारे जो कि जॉब मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो मैं फर्स्ट जो कि केबिन क्रू के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद जो कि और भी जो डिपार्टमेंट, उसके बाद मैं उन सभी के लिए मैं बात करूँगा। दोस्तों, पहले जो केबिन क्रू के जो न्यू जॉब जो कि निकला हुआ है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो केबिन क्रू एक है फ्लाइट अटेंडेंट। तो जो लोग केबिन क्रू के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, केबिन क्रू में बहुत ज़्यादा सैलरी होता है, इसके साथ साथ आप देश में कोने कोने या विदेश में बहुत सारे जगहों में आप घूम सकते हैं। बट एक यहाँ पे एक एडवांटेज है जो कि आप 12th के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका और भी एडवांटेज है कि इसके लिए कोई भी आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको जो कि यहाँ पे इंटरव्यू के बेस आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो कि कंपटीशन होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें आपको, क्योंकि इंटरव्यू में कभी आपको नहीं निराश होता है बा कभी आप फेल नहीं हो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो कि सिटी में इंडिया में बहुत सारे सिटी में आप लोग जो अगर रहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो केबिन क्रू के लिए, इंडिगो के केबिन क्रू के लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट जो सिटी में इंटरव्यू हो रहा है वो है हैदराबाद। पोजीशन है केबिन क्रू, डेट है 5 अक्टूबर 2018, टाइम है 9 AM to 11 AM। इसका जो एड्रेस है होटल रेडिसन एच आई टे हाईटेक सिटी ग्वाइबोई। तो दोस्तों, इस तरह से चेन्नई में है, इसका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा है, आप लोग एक बार पढ़ लेना। इसका इंटरव्यू जो किया 12 अक्टूबर 2018 में। कोलकाता में इंटरव्यू है 16 अक्टूबर 2018, जिसका टाइम है 8 AM to 10 AM। इसका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख चेक कर लेना। इसके साथ से बेंगलोर में है, तो इसके बेंगलोर के जो डेट है
16 अक्टूबर 2018। तो दोस्तों यहाँ पे हर मंथ में बहुत सारे जो कि हर मंथ इंटरव्यू होता है, तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द केबिन क्रू जॉब वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते डायरेक्टली। तो आपका अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई नाउ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके पहले आपको कुछ चीज़ों के यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या, फीमेल इंडियन नेशनल। तो जो लोग ओनली फॉर जो लोग केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं विद इंडियन पासपोर्ट, मिनिमम एज 21 ईयर्स। तो आपको मिनिमम एज जो कि है 21 ईयर्स आपको रहना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि है यहाँ पे पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको 12th या 10+2 जो कि अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल जो कि आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको अगर इंग्लिश या हिंदी बहुत अच्छे से आता है तो आप अप्लाई कर सकते इस जॉब के लिए। हाइट मिनिमम जो कि है 155 सेमीज फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है फॉर द बॉयज़। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बॉयज़ को अभी हायर नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बोल सकते कि और जो कि आप लोग जाके इंटरव्यू कर दे सकते। तो यहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स है, जो लोग चाहते हैं लोग चाहते हैं कि अप्लाई करना वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट है आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा एक फॉर्म आया है, आप इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि है आपको यहाँ पे वो देना होगा, आपका ईमेल आईडी, आप कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे वो देना होगा। तो अगर आप केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे केबिन क्रू देना होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा कैटेगरी। तो दोस्तों इस तरह से आपको डेजिग्नेशन, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो कि है यहाँ पे डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस आपको ये भी देना होगा। एयरक्राफ्ट टाइप आपको यहाँ पे जो कि न्यू है आपको यहाँ पे वो भी देना होगा, एयरक्राफ्ट टाइप। उसके साथ साथ इंटरव्यू लोकेशन और प्रेफरेंस, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के पास ही या सिटी के आपके जो कि सिटी है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे एक दे सकते हैं आपका इंटरव्यू लोकेशन प्रेफरेंस। इसके साथ साथ आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो कि है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको वो भी यहाँ पे देना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड आपका एक रिज्यूम जो कि है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो रिसेंट फोटोज है यहाँ पे वो भी देके अपलोड करके सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने देने के बाद आप उसी डेट में अगर आप चाहते हैं कि कोलकाता में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो इस डेट में आपको वहाँ पे जाना होगा, जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। तो ये था केबिन क्रू लिए। इस तरह से आप ग्राउंड फोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर आपको आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि ग्राउंड फोर्स के लिए मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, रांची, अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, गोवा, तो ये और ऑल इंडिया बेसिक जो जो सिटी है आप लोग यहाँ पे वो सब सिटी में जहाँ जहाँ इंटरव्यू हो रहा है आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ में जाके आपको सेम फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, फिलअप करके सबमिट कर देना होगा। सबमिट करके जिस डेट में आपका इंटरव्यू है आपका नियर सिटी में, आपको उस डेट में जाके आपको जो कि आपको इंटरव्यू देना होगा। तो इंटरव्यू 3 राउंड के होते हैं, तो आपको हर एक राउंड में आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो राउंड है आप उस राउंड में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद ये जॉब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए तो आज का वीडियो अभी तक यहाँ पे था। तो इंडिगो के लिए ये जॉब जो कि निकला हुआ है, तो जो लोग अभी भी चाहते हैं कि अप्लाई करना वो लोग कर सकते हैं, आपका ड्रीम जॉब जो कि आप कर सकते हैं एयरलाइन में। तो
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरा नीचे फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को SMS कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।